गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूँ। वाह क्या स्वागत है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इस नेता का बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है, वो भी गाली देकर। आप भी हंस रहे होंगे, ये कैसा स्वागत है। हाल ही में एमपी विधानसभा चुनाव में इंदौर में अपने प्रतिद्वंदी रहे संजय शुक्ला जब बीजेपी में शामिल हुए तो कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें भगवा फटका पहनाया और मजाक मजाक में जो कहा वो सुर्खियां बन गई। सुनिए कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया है। ये सुनकर संजय शुक्ला खिलखिला कर हंस पड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजयवर्गीय के पैर छूते हुए बोले कि आपका ही बच्चा हो। इस पर विजयवर्गीय ने भी पीठ थपथपाकर शुक्ला को आशीर्वाद दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एमपी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा, जहां कई दिग्गज नेता समेत 11 सियासी चेहरे ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थाम लिया। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि ये नेता कौन कौन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, आलोक चंदसूरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव और दिनेश ढिमोले। बता दें कि भोपाल के पार्टी मुख्यालय में इन सभी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सूबे के मुखिया मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के दौरान नेताओं के बीच हंसी मजाक का माहौल देखने को मिला, खासकर कि जब कैलाश विजयवर्गीय के प्रतिद्वंदी रहे संजय शुक्ला मंच पर पहुंचे तो विजयवर्गीय ने चुटकी ली और कहा, तेरी गाली सुनी और अब तुझे ही ले रहा हूँ। बहरहाल संजय शुक्ला का गालियों के अंदाज में ये स्वागत बीजेपी में उनका भविष्य कितना संवारता है ये भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का ये अंदाज काफी सुर्खियों में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।